हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी ई ट्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है कैप्सूल्स एंड माइक्रो इनकैप्सुलेशन, यानी कि जो भी हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म है, लाइक हमारे क्या है, कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, पाउडर हैं, पैलेट्स हैं, तो उसमें हमारा आता है क्या, कैप्सूल्स आता है। तो कैप्सूल्स हमारा क्या है, वन ऑफ द टाइप ऑफ क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जिसमें हमारा क्या होता है, जिलेटिन होता है, जिलेटिन की शेल होती है, और उसके अंदर हमारा जो भी ड्रग मेडिकामेंट है वो इनकैप्सुलेटेड रहता है, उसके अंदर फील्ड रहता है। और माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन में हम सिंपली बात करते हैं कि जो भी हमारा मटेरियल है, मेडिकामेंट है, उसकी क्या होती है, कोटिंग हुई रहती है पॉलीमर्स के थ्रू, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे कैप्सूल्स एंड माइक्रो इनकैप्सुलेशन में। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमारा आता है कैप्सूल्स से, कि मेनली कि कौन सा हमारा एजेंट है जो कि एज ए प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है कैप्सूल्स फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं। तो प्लास्टिसाइजर हमारे वो इंग्रेडिएंट होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को, जो भी हमारी कैप्सूल की शेल है, उसको प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। तो वो मेनली हमारे क्या होते हैं, प्लास्टिसाइजर। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं, ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल एंड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि प्लास्टिसिटी मेंटेन रखने के लिए, कैप्सूल्स की प्लास्टिसिटी मेंटेन रखने के लिए हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिस सेल ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मे बी मेड इलास्टिक और प्लास्टिक बाई दी एडिशन ऑफ, या पहले तो हम ये बात करते हैं कितने टाइप के हमारे क्या होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं। तो मेनली दो होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को हम बीच से क्या कर सकते हैं, दो इसमें पार्ट होते हैं, ओके, और क्या होते हैं, यूजुअली ये हार्ड होते हैं। ये हमारा क्या होता है, थोड़ा हमारा हम बोल सकते हैं इसको सेमी सॉलिड, क्योंकि क्या होती है, जो इसकी शेल होती है, हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे तो वो प्रेस हो जाती है, देन अगेन वो अपना शेप रिटेन कर लेगी, बट आएगा ये आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म में ही। हम बस ये बात कर रहे हैं कि इसमें, और जो हमारी क्या है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स है, इसमें मेनली हमारे पाउडर्स नहीं, इसमें मेनली हमारे फील्ड होती है क्या, लिक्विड, जो हमारे विस्कस लिक्विड्स होते हैं, थिक विस्कस लिक्विड, लाइक हमारा कैस्टर ऑयल हो गया, आपने पुदीनहरा की कैप्सूल्स जरूर देखी होगी। तो ये सारी हमारी किस में आ जाते हैं, मेनली हमारे आते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में। वाइटमिन D3 के भी हमारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आते हैं, तो वो हमारा किस में आएगा, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में। तो क्वेश्चन यहाँ ये हमारा था कि मेनली जो हमारी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, उसकी शेल को इलास्टिक या फिर प्लास्टिसिटी हमारी प्रोवाइड करने के लिए, ऐड करने के लिए, प्रोवाइड करने में हम कौन सा इसमें एजेंट यूज करेंगे, सॉर्बिटॉल, पोविडोन, प्रोपिलीन इथिलीन ग्लाइकॉल या फिर लैक्टोज। ये चार ऑप्शंस हो गए कि हम यहाँ पे कौन से यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज सॉर्बिटॉल, क्योंकि सॉर्बिटॉल क्या होता है हमारा, हमने पहले भी देखा था कि जो सॉर्बिटॉल होते हैं वो क्या कराते हैं, हमारे प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराने में या फिर इलास्टिक बनाए रखने में, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोएसर्वेशन फेस सेपरेशन टेक्निक इज यूज फॉर। कोएसर्वेशन जो हमारी फेस सेपरेशन की हमारी टेक्निक्स होती है, वो हम मेनली किसके लिए करते हैं, ऑप्शन है हमारे सॉरी नियोसोम्स, लिपोसोम्स, माइक्रो इनकैप्सुलेशन या फिर सस्टेन्ड रिलीज ड्रग फॉर्मेशन। तो जब भी बात करें हम कोएसर्वेशन की, तो जो हमारी कोएसर्वेशन होती है, तो सबसे पहले चलिए ये देख लेते हैं, नियोसोम्स और लिपोसोम्स किस लिए होती है, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टारगेट पे, सपोज कोई कैंसर का पेशेंट है, उसको क्या है, लीवर कैंसर है, तो अगर हम बात करेंगे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, तो वहां हम बात करेंगे लिपोसोम्स की, माइक्रोस्फीयर्स की, और आपके जो लिपोसोम न्यूसोम से इनकी बात करेंगे, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टारगेट पे जाके वहीं पे अपना एक्शन शो करेंगे। बेनिफिट इससे क्या होगा कि जो हमारे एडवर्स इफेक्ट है, ड्रग की टॉक्सिसिटी है, वो क्या होगी, मिनिमाइज होगी, कम से कम होगी, और टारगेट स्पेसिफिसिटी होने की वजह से जो हमारे ड्रग है उसकी वायलेबिलिटी भी बढ़ेगी, उसके इफेक्ट भी ज्यादा आएंगे। कहां हमारी ड्रग सारे पूरे ऑर्गन पे इफेक्ट कर रही थी, अब यहाँ एक स्पेसिफिक टारगेट पे क्या करेगी, अपना इफेक्ट शो करेगी, और इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट के भी चांसेस कम से कम होंगे, क्योंकि जहां पे हमने जरूरत है वहीं पे हमारी क्या करेगी, एक्शन शो करेगी। तो ये हमारे आगे किसमें, नॉल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में जो हमारे टारगेटेड
आते हैं लिफोसोम्स और न्यूसोम्स, उसमें देन आता है यहाँ पे क्या सस्टेन रिलीज ड्रग फॉर्मेशन। सस्टेन रिलीज ड्रग फॉर्मेशन मेनली हम क्या करते हैं लॉन्ग टर्म तक अगर हमें ड्रग का इफेक्ट चाहिए लाइक आपका पेन किलर्स हो गए, हार्मोनल ड्रग्स हो गई, तो इन सारे केसेस में हम सस्टेन रिलीज ड्रग की प्रिपरेशन बनाते हैं, तो ये मेनली उसमें आएगा। देन आ जाता है आपका क्या माइक्रो इनकैप्सुलेशन, जिसमें हम मेनली यूज करते हैं किसका कोएसर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक्स का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्स में भी कई बार पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है वाटर सोल्यूबल कोटिंग मटेरियल फॉर माइक्रो इनकैप्सुलेशन इंक्लूड, यानी कि कोटिंग मटेरियल पहली चीज हमारे कई तरीके के होते हैं, वाटर सोल्यूबल भी होता है, वाटर इनसोल्यूबल भी होता है, लाइक आपके वाटर इनसोल्यूबल्स में जो हमारी इथाइल सेलुलोज होता है ये हमारा वाटर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है, और भी कई सारे जो हमारे क्या होते हैं वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर हम यूज करते हैं कि किस टाइप के हमने पॉलीमर्स हमने यूज करने हैं जो भी हमारा ड्रग मेडिकामेंट है उसको इनरोल करने में उसमें। तो यहाँ पे हमारे क्या क्या ऑप्शन है, जिलेटिन है, इथाइल सेलुलोज है, पॉलीथिलीन है एंड पॉलीएमाइड है। तो हमने यहाँ ये बताना है कि हमारा क्या है कौन सा कोटिंग मटेरियल हमारा क्या है वाटर सोल्यूबल है, क्या है वाटर सोल्यूबल है। सो करेक्ट आंसर इज ए, भैया अगर जिलेटिन आपकी वाटर सोल्यूबल नहीं होती तो जितनी भी आप कैप्सूल्स खा रहे हैं बॉडी में जाती वो डिजॉल्व ही ना होती, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है ही नहीं। तो जो जिलेटिन है हमारी क्या है वेल नोन है कि ये क्या है हमारा वाटर सोल्यूबल है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ए। और ये तीन भी इंपॉर्टेंट है, तीन ये कैसे इंपॉर्टेंट है आपके इथाइल सेलुलोज पॉलीथाइलीन एंड पॉलीमाइड, क्योंकि ये वाटर इनसोल्यूबल है। पॉलीमर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलीमर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी से कि कौन कौन से हमारे वाटर सोल्यूबल है कौन से हमारे वाटर इनसोल्यूबल है। एंटेरिक कोटिंग पॉलीमर्स पूछे जाते हैं, कुछ नाम बता देता हूँ, एंटेरिक सेलुलोज एसीटेट थैलेट, मिथाइल सेलुलोज एसीटेट थैलेट, जीन JDIN जीन, सिलैक SHE SILAC हो गया, और कौन सा है आपका एक्राइलेटेड पॉलीमर्स में आते हैं हमारे UDRAGIT L and UDRAGIT S, ये हमारे किस में आते हैं एक्राइलेटेड पॉलीमर्स के हमारे टाइप है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। तो इसके L और S टाइप की हमारा एज ए इंटरिक कोटिंग मटेरियल यूज किया जाता है। और वहीं हम बात करें UDRAGIT E की तो वो मेनली हमारा जो होता है वो यूज किया जाता है किसमें हमारा नॉन इंटरिक कोटिंग में, ठीक है। चलिए ये हमने बात कर लिया किसके बारे में, जो भी हमारे कोटिंग मटेरियल्स हैं सिंपली उसका ओवरव्यू हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग मटेरियल फॉर माइक्रो इनकैप्सुलेशन इंक्लूड, अभी बात किया था हमने वाटर क्या था सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। तो यहाँ चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से है, इथाइल सेलुलोज पॉलीथाइलीन पॉलीएमाइड एंड ऑल ऑफ दी अबाउट। जरा याद करिएगा अभी लास्ट क्वेश्चन में जो हमारे तीन ऑप्शन थे एक्सेप्ट जिलेटिन तीनों क्या थे यही थे जो कि वाटर इनसॉल्युबल थे। सो करेक्ट आंसर इज हियर इज डी दैट इज ऑल ऑफ दी अबाउट, यानी कि ये सारे इथाइल सेलुलोज पॉलीथाइलीन एंड पॉलीएमाइड हमारे क्या है नॉन सॉल्युबल वाटर इनसॉल्युबल है, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी ये सारे हमारे कोटिंग मटेरियल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या पार्टिकल साइज फॉर एयर सस्पेंशन इज, पार्टिकल साइज हमारा क्या एयर सस्पेंशन मेथड्स होते हैं, अभी आप और भी पढ़ेंगे पैन कोटिंग हो गया रस्टर प्रोसेस हो गया यही, तो इसमें हमारी क्या है पार्टिकल साइज कितना है 1 to 5000 micrometer, 5 to 5000 micrometer, 35 to 5600 micrometer, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा 35 से 5000 micrometer जो होती है पार्टिकल साइज होती है किसमें एयर सस्पेंशन जो हमारा मेथड होता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है और भी सारे हैं हमारे पार्टिकल साइज वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जब आप पढ़ेंगे सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो पोर्क बोन होती है जो पोर्क स्किन होती है उससे हम ऑब्टेन करते हैं, कार्ब स्किन कार्ब बोन बोन जो होती है उससे भी करते हैं, ओके ये हमारे मेन सोर्स होते हैं। देन उसमें हमारा आ जाता है कि एसिड प्रोसेस्ड कौन सी है और एल्कली प्रोसेस्ड कौन सी है, देन उसके बाद इसी में आपका पूछ लेता है उसका पीएच, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन बोन्स हमारी यूज कमर्शियली जो हमारी ग्रीन बोन्स होती है
ठीक है, तो वो हमारी किस टाइप की जिलेटिन्स में मेनली हमारी आती है, टाइप ए में, टाइप बी में, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी अबव। तो जो हमारी ग्रीन बोन्स होती है वो आती है हमारी किसमें, टाइप बी में। किसमें, टाइप बी में आती है ग्रीन बोन। ऐसा नहीं है कि अब वो बोन्स हरी हो जाएगी, हमने उसका टर्म किया है कि दैट इज ग्रीन बोन। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में, इवन आपके एग्जिट एग्जाम्स के लिए भी आपकी ये इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलग से आपका नहीं पूछा जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ इम्पटी जिलेटिन कैप्सूल लाई इन दी रेंज ऑफ। मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा रोल प्ले करता है जो हमारी जिलेटिन की कैप्सूल्स होती है, क्योंकि अगर बहुत कम हो जाएगा मॉइस्चर कंटेंट, जो इनका लेवल है उससे बहुत कम हो जाएगा, तो जो हमारी कैप्सूल्स है ब्रिटल इन नेचर हो जाएंगी, उनकी इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मॉइस्चर कंटेंट इसमें ज्यादा हो जाएगा तो ये जो इनका शेप है, इनका जो अपियरेंस है, स्पेसिफिक साइज शेप है, उसको वो प्रॉपर्टी इनकी लॉस हो जाएगी, तो जो कैप्सूल की फिलिंग है उस टाइम में हमें क्या होगी, प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर हमारा क्या है, कैप्सूल सिंपल है, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं कि जो मान लिया कि ये कैप्सूल है, सिंपली कैप्सूल का सेल है, अब इसकी यहाँ पे हमारी ओरफिस फिक्स है कि इतनी ही है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी मशीन भी है जो इसमें फिल करेंगी। मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया, इसका शेप क्या हो गया, डिनेचर हो गया, ये और ज्यादा वॉइड हो गया, क्या हो गया, वॉइड हो गया, डिनेचर हो गया, तो जहां फिल करना है उतना अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ पाउडर या फिर जो भी मैं ड्रग इसमें फिल नहीं हो पाएगी, जो कि हमारा मेजर ड्रॉबैक है, किसकी वजह से, मॉइस्चर कंटेंट की वजह से। तो ये मेनली हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा कि कितना होना चाहिए हमारा मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्शन है हमारे बिलो 10%, 12-15%, अबव 16% एंड नन ऑफ दी अबव। तो जब भी हम बात करें एम्प्टी जिलेटिन शेल कैप्सूल में हम मॉइस्चर कंटेंट की, तो वहां पे याद रखिएगा करेक्ट आंसर इज 12-15%। कितना आएगा आपका, 12-15%। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका आया हुआ क्वेश्चन ये। नेक्स्ट आता है क्या, टाइप ए जिलेटिन हैज इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रीजन ऑफ। दो टाइप की जिलेटिन होती है, टाइप ए होती है, टाइप बी होती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है टाइप ए जो हमारी क्या है जिलेटिन सेल है या फिर जो जिलेटिन मटेरियल है उसका हमारा पीएच कितना होता है। तो पहले तो हम ये जान लें कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जिसमें हमारा जो पर्टिकुलर कोई भी मॉलिक्यूल है वो किसी भी तरीके के चार्ज को कैरी ना करे, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। यानी कि चार्जेस जो भी हैं वो हमारे सेम हो जाएंगे, तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। आइसो मीन्स ही होता है सेम, आइसो मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इक्वल हम मान लेते हैं। तो वहां पे हमारा क्या आ गया कि किसी भी तरीके का चार्ज नहीं प्रेजेंट है। अब पीएच की बात करें कि टाइप ए जो जिलेटिन है उसमें हमारी पीएच की रेंज कितनी होती है। ऑप्शंस आर पीएच 4.7, पीएच 9, पीएच 7.4 एंड पीएच 9.4। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर द करेक्ट आंसर इज पीएच 9। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है, पीएच 9। और यही अगर हमारा पूछा होता है टाइप बी जिलेटिन का, ये तो टाइप आपका ए हो गया 9.0 या फिर 9, याद रखिएगा। और यही अगर हमारा पूछा होता टाइप बी जिलेटिन, तो वहां पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहता, दैट इज पीएच 4.7। वहां पे हमारा करेक्ट आंसर होता 4.7। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आयरन कंटेंट ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शुड नॉट एक्सीड मोर देन। पहली चीज तो आयरन कंटेंट, यहाँ पे आयरन कंटेंट होगा, ठीक है। आयरन कंटेंट जो होता है हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का, वो कितने एक्सटेंड, कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस हमारे क्या क्या है, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm या फिर 25 ppm, मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। तो इतने पार्ट्स पर मिलियन से हमारा जो आयरन कंटेंट है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 ppm। जब भी हम बात करेंगे कि जो हमारा आयरन कंटेंट है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, तो वो हमारी होनी चाहिए 15 parts per million, उसकी रेंज होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ जिलेटिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। जो जिलेटिन की कॉस्ट है वो डायरेक्टली हमारे किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे यहाँ, विस्कोसिटी के, यानी कि जो हमारा जिलेटिन सॉल्यूशन है जितना ज्यादा हमारा सॉल्यूशन विस्कस होगा उसकी प्राइस उतनी ज्यादा हमारी हायर होगी, ऐसा कुछ नहीं। ब्लूम स्ट्रेंथ के,
आयरन कंटेंट के, कि हमारा आयरन कितना कंटेन कर रहा है, या फिर आयरन कंटेंट उसमें हमारा कितना अवेलेबल है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सो डिएडेंट्स, जब भी हम बात करेंगे कि जिलेटिन की कॉस्ट जो हमारी जिलेटिन की है, जब हम उसकी बात करेंगे कि हाई होगी कि लो होगी, तो वो हमारा टोटली डिपेंड करता है ब्लूम स्ट्रेंथ पे। ब्लूम स्ट्रेंथ में हम बात करते हैं उसकी क्रॉस लिंकिंग की, मॉलिक्यूल्स की क्रॉस लिंकिंग की। जितनी ज्यादा उसकी क्रॉस लिंकिंग, उतनी ज्यादा उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हायर कॉस्ट किसकी, जिलेटिन की। सो करेक्ट आंसर इज बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज इन। मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगेशन हमारी टेक्निक्स होती है, अब किस मेथड में यूज की जाती है, न्यूसोम्स, लिपोसोम, माइक्रो इनकैप्सुलेशन, या फिर सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन। इन चारों के बारे में हमने पहले ही बात किया था कि ये चारों होते क्या है, कब कब हम इनका यूज करते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, न्यूसोम्स, लिपोसोम, तो उस पे नहीं जाते हैं। अभी सिंपली हम ये बात करते हैं कि किस मेथड में, किस में हमारा ये सिंपली यूज किया जाता है। तो जो हमारा होता है कि मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगेशन, वो हमारा यूज किया जाता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन में। माइक्रो इनकैप्सुलेशन की जो टेक्निक होती है उसी में हमारा आता है मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर हमारा होगा सी, दैट इज माइक्रो इनकैप्सुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन ऑफ आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि हमारी ये ड्रग कहाँ यूज होती है। तो आपने नाम सुना होगा एंजाइना पेक्टोरिस का। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, मेनली इसका सिम्टम क्या होता है, पेन ऑन चेस्ट। आपने देखा होगा कई बार कि हाँ पुरानी मूवीज है, अचानक चेस्ट पेन हुआ बहुत तेज, ओल्डर एज है थोड़ा, और तुरंत हॉस्पिटलाइज या फिर निकल गए। तो होता क्या है कि डिमांड ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, बढ़ जाती है, बट उसकी जो सप्लाई होती है अकॉर्डिंग टू डिमांड, जो उसकी सप्लाई है वो अकॉर्डिंग टू डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती। तो हार्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी पंप करने लगता है, जिससे क्या होता है हार्ट क्या करता है, जल्दी जल्दी पंप करने लगता है, ताकि क्या हो, वो सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंचा सके। बट ऑक्सीजन तो लिमिटेड है, ऑक्सीजन लिमिटेड है, तो वहां क्या होता है कि फिर हमारा हार्ट कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस में कई टाइप का होता है, आपका स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, उसके बारे में उतना डीप नहीं जाते हैं। सिंपली हम ये जान लेते हैं एंजाइना पेक्टोरिस में हम लेते हैं कौन सी ड्रग, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। कैसे लेते हैं, सबलिंगुअल लेते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन आपने सुना होगा, सबलिंगुअली लेते हैं, जिसकी वायबिलिटी ऑलमोस्ट हमारी पेरेंटल के बराबर होती है, यानी कि ऑलमोस्ट हमारी कितनी होती है, 100% होती है बायो अवेलेबिलिटी, किसकी, सबलिंगुअल रूट से। ठीक है, ये चीज हमने इतना जान लिया। अब बात करते हैं कि इसका पर्पज क्या होता है, इसके इनकैप्सुलेशन का, किसके, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट का। ऑप्शन क्या क्या है हमारे, सिलेक्टिव सॉर्प्शन, सस्टेन रिलीज, टेस्ट मास्किंग, या फिर रिड्यूस रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन। पहली चीज, गैस्ट्रिक इरिटेशन अगर हम दे रहे हैं सब लिंगल रूप से, तो गैस्ट्रिक इरिटेशन की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी टैबलेट है वो हमारी गैस्ट्रिक या फिर जीआईटी में अंदर जा ही नहीं रही, उसे तो हमने सबलिंगुअल प्लेस किया है, तो वहां पे हम गैस्ट्रिक इरिटेशन का सवाल ही नहीं उठता। टेस्ट मास्क, सबलिंगुअल दे रहे हैं तो हम टेस्ट मास्क की वहां पे कुछ खास रोल इंपॉर्टेंट है नहीं। देन सिलेक्टिव सॉर्प्शन ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारी क्या है, ब्लड जो हमारी ये ड्रग है, फाइन कैपिलरीज से पैसिव डिफ्यूजन मैकेनिज्म क्या है, याद रखिएगा पैसिव डिफ्यूजन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन हमारा कहाँ है, बिलो द टन, और लो कंसंट्रेशन कहाँ है, ब्लड में। तो वह हमारी क्या होती है, ड्रग हमारी डिफ्यूज हो जाती है कहाँ पे, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या है, सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इनकैप्सुलेशन करते हैं नाइट्रो आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिपेंड्स ऑन द टेक्निक ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन, यानी कि इसमें से कौन सा हमारा फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है किस पे, माइक्रो इनकैप्सुलेशन पे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे क्या क्या है, मटेरियल का हमारा मेल्टिंग पॉइंट, या फिर रिलेटिविटी क्या है उस हमारे मटेरियल की, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है मटेरियल की, उसके केमिकली क्या नेचर का है, किस नेचर का है उसके, हमारे हम उसकी बात करेंगे जो भी बॉन्ड्स हैं किस टाइप के हैं, ये सारी चीजें। देन सेंसिटिविटी ऑफ द मटेरियल, किस किस सब्सटेंस के थ्रू, किन किन फैक्टर्स के थ्रू वो क्या है
कि टूवर्ड्स क्या है वो सेंसिटिव है, वो बात हम यहाँ पे करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, यानी कि जो हमारा क्या होता है मटेरियल की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करता है किस पे, हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन हमने उसमें करना है या नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, फिजिको केमिकल मेथड यूज इन माइक्रो इनकैप्सुलेशन। क्या है, फिजिको केमिकल मेथड यूज इन माइक्रो इनकैप्सुलेशन, दैट इज कोएसर्वेशन, फेज सेपरेशन, पैन कोटिंग, स्प्रे ड्राइंग या फिर एयर सस्पेंशन। यहाँ पे हमारा क्या पूछा है क्वेश्चन, फिजिको केमिकल मेथड हमारा कौन सा होता है जो कि किसमें होता है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन में होता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज कोएसर्वेशन। फिजिको केमिकल इसलिए वर्ड बोल रहे हैं कि इसी में हमारे क्या होते हैं वो सराउंडिंग से हमारे क्या करेंगे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करेंगे हमारा इनकैप्सुलेट करेंगे हमारे किसमें, माइक्रो इनकैप्सुलेशन में। तो यहाँ पे हमारा क्या है कोएसर्वेशन में भी हमारे इसमें अलग अलग फेजेस भी आते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपका, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन रिलेटेड टू, माइक्रो इनकैप्सुलेशन जो हमारा होता है वो मेनली हमारा किससे रिलेट करता है, किससे हमारा कोरिलेटेड होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, जो हमारे क्या है थिन कोटिंग टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, यानी कि क्या हमारी जो भी एप्लीकेशन ऑफ थिन कोटिंग, कोई भी हमारा पॉलीमर है उसकी हम थिन कोटिंग कहाँ कर रहे हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर अगर हम कर रहे हैं, जो हमारे स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कर रहे हैं। सेकंड हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ थिन कोटिंग टू डी ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड ड्रॉपलेट पे भी हमारी क्या होती है थिन कोटिंग की जाती है, हमारे जो भी पॉलीमर्स हैं उनकी कराई जाती है, वो भी हमारी टेक्निक्स होती है। थर्ड हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ थिन कोटिंग टू लिक्विड डिस्पर्जन, यानी कि जो भी हमारा लिक्विड डिस्पर्स फेज में है, डिस्पर्जन मीडियम में है, तो उसमें हम क्या करा रहे हैं, उसमें हम एप्लीकेशन करा रहे हैं इसका। एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जो भी हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन होता है उसमें हम तीनों की बात करते हैं, चाहे हम सॉलिड को हम इनकैप्सुलेट करें, चाहे हम लिक्विड के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनकी कोटिंग कराएं, या फिर चाहे जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम में अगर हमारा लिक्विड है तो उसमें हम थिन कोटिंग कराएं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इन सभी केसेस में हम क्या होता है हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन यूज होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्या है, इनमें से हमारा वाटर सोल्यूबल कौन सा हमारा क्या है, वाटर सोल्यूबल रेजिन है जो कि हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन में एज ए कोटिंग मटेरियल यूज किया जाता है। कौन सा हमारा क्या है, वाटर सोल्यूबल रेजिन मटेरियल। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, मिथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज, सेलुलोज नाइट्रेट एंड सेलुलोज एसीटेट थैलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या है ऑप्शंस, हमारे चार दिए हुए हैं, ये हमारे कोटिंग मटेरियल कोटिंग रेजिन्स हैं, तो इसमें से कौन है हमारा जो वाटर सोल्यूबल एज ए वाटर सोल्यूबल रेजिन यूज किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज मिथाइल सेलुलोज। बाकी जो है ये हमारे क्या होते हैं, ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के टुवर्ड्स इंक्रीज करानी है तो वहां पे हम अलग अलग पॉलीमर्स को इंजोल कराते हैं, उनके पार्टिकल साइज को और रिड्यूस करना, इन सारे स्टेप्स पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वाटर सोल्यूबल रेजिन की, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज मिथाइल सेलुलोज। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल्स इज डन बाय, यहाँ मशीन से क्वेश्चन पूछा है कि किस मशीन या फिर किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं क्या, जो भी हमने क्या करना है लिक्विड्स को कैप्सूल में अगर हमने फिल करना है। इंपॉर्टेंट है आपका अलग अलग तरीके की आपकी मशीन्स हैं जो कि यूज की जाती हैं, कैप्सूल फिलिंग में, कैप्सूल प्रिंटिंग में भी यूज की जाती है, कैप्सूल को ज्वाइंट करने में अलग अलग हमारी मशीन्स होती है। तो चलिए बात करते हैं किसकी, यहाँ पे फिलिंग की। तो एक आता है हमारा क्या, रोटोटिल, क्वालिसील, Mg2 एंड लिक्विड सील। तो यहाँ पे लिक्विड सील, Mg2, ठीक है, क्वालिसील एंड रोटोफिल, रोटोटिल है यहाँ पे आपका फिल। तो यहाँ पे हमारा क्या है करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वालिसील। क्वालिसील का जो मेनली काम होता है वो लिक्विड, सिंपल याद रखिएगा जो आपका क्यू है, मेनली हम बात करें लिक्विड में हमारा क्यू आ रहा है, तो क्यू से हम क्या याद कर लेंगे, लिक्विड को फिल करने के लिए मेनली हमारी क्वालिसील का यूज किया जा रहा है, क्वालिसील जो हमारी मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉलोइंग आर दी कैप्सूल इम्प्रिंटिंग मशीन एक्सेप्ट, यानी कि इसमें से सारी हमारी क्या है कैप्सूल प्रिंटिंग मशीन है एक्सेप्ट वन, कौन सी है वो हमने पता करना है, हार्टनेट, मैकोफर, मार्केम या फिर
एक्ले। तो यहाँ पे हमारी कौन सी ऐसी है जो कि हमारी क्या है, कैप्सूल इम्प्रिंटिंग मशीन नहीं है। चार ऑप्शंस हमने देख लिए। सो डिटर्जेंट्स, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, मैकोफर है। ये मेरे लिए हमारा कैप्सूल प्रिंटिंग में, इम्प्रिंटिंग या फिर जो भी प्रिंटिंग है इसमें हमारा यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इनकैप्सुलेशन टेक्निक एक्सेप्ट। इनकैप्सुलेशन टेक्निक्स हमने बात किया था, अलग अलग हमारी इनकैप्सुलेशन टेक्निक्स थी। हमारी एयर सस्पेंशन था, स्प्रे ड्राइंग था, फैन कोटिंग था, कंप्रेशन कोटिंग नहीं था। ठीक है, ये मेरे लिए हमारी क्या है, तीन कोटिंग। ये हमारे जो है, ये जो अरेस्टर प्रोसेस भी हम इसी को बोलते हैं, एयर सस्पेंशन। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ये जो कंप्रेशन कोटिंग है, ऐसी कोई भी हमारी इनकैप्सुलेशन कोटिंग नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा ये गलत है, कौन सा, कंप्रेशन कोटिंग। सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज नॉट इम्पार्ट इन इनकैप्सुलेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंप्रेशन कोटिंग। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज कंप्रेशन कोटिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द अप्रोक्सीमेट पार्टिकल साइज ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स यूजिंग सॉल्वेंट इवेपरेशन इज। क्या यहाँ पे हमारा पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट हमारी पार्टिकल साइज किसकी है, हमारी क्या है, माइक्रो कैप्सूल्स की, जो है, जो कि हम सॉल्वेंट इवेपरेशन में यूज कर रहे हैं, कितनी होती है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, 5 to 5000, 100 to 10000, 10 to 100 माइक्रोन, या फिर 5 to 10 माइक्रोन। किसकी बात यहाँ पे हो रही है, हमारी माइक्रो इनकैप्सुलेशन यूजिंग सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड, यानी कि जिस सॉल्वेंट में हम उसको इनकैप्सुलेट कर रहे हैं उस सॉल्वेंट को हम क्या कर देंगे, फाइनली हम इवेपोरेट करा देंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा 5 to 5000 माइक्रोमीटर। इंपॉर्टेंट रेंज है ये आपकी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपके ये पर्टिकुलर जो हमारा मेथड है इसमें हमारी रेंज कितनी है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रस्टर प्रोसेस इज ऑल्सो बेटर नोन एज। रस्टर प्रोसेस को हम और किस नाम से जानते हैं, अभी दो क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था कि रस्टर प्रोसेस को और हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एयर सस्पेंशन कोटिंग या फिर एयर सस्पेंशन मेथड। ठीक है, चलिए, दैट इज एयर सस्पेंशन या फिर रस्टर प्रोसेस। सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर। इसमें से कौन सा हमारा क्या है वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन, मेथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज एंड अरेबिनो गैलेक्टोन। ये हमारे क्या है, चार ऑप्शंस है। बताना क्या है हमने यहाँ पे, वाटर इनसॉल्युबल यानी कि ऐसा पॉलीमर जो हमारा वाटर में सोल्युबलाइज ना हो। तो हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, वाटर इनसॉल्युबल हमारा क्या होता है, इथाइल सेलुलोज होता है। बाकी मिथाइल सेलुलोज वेल नोन है हमारा, ये क्या है हमारा, वाटर सोल्युबल होता है। अरेबिनो गैलेक्टोन, जिलेटिन एंड पीवीपी हमारे क्या होते हैं, ये सारे वाटर सोल्युबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल साइज अकोमोडेट्स द लोवेस्ट वॉल्यूम। यानी कि कौन सी कैप्सूल साइज है इसमें जिसमें हमारी क्या है, लोवेस्ट वॉल्यूम यानी कि जिसमें सबसे कम हमारा क्या है, वॉल्यूम आता है, जिसकी वॉल्यूम साइज कैपेसिटी क्या है, सबसे कम है। ऑप्शंस आ गए हैं यहाँ पे हमारे, क्या क्या ऑप्शंस हैं, 0, 000, 5 and 1। ये हमारे क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अगर हम बात करें कैप्सूल्स की, तो हमने बुक्स में देखा होगा सबसे पहले हमारे हाईएस्ट से स्टार्ट होती है, देन हमारी 1, 2, 3, 4, 5, जहां पे हमारी क्या है, लोवेस्ट क्या होती है, लोवेस्ट वॉल्यूम कैपेसिटी किसकी होती है, दैट इज 5C। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है करेक्ट आंसर, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, That is size 3. कौन सी size? 3 size की बात हो रही है. Of capsule will have dash ml of capacity. किसके बात हो रही है? 3 size की यहाँ पे हमारी बात हुई है कि इस size के जो हमारे capsules हैं, उनकी capacity हमारी कितने ml की होगी? Options कौन-कौन से हमारे? That is 1.3, और क्या है हमारा? 0.95, 0.68 and 0.30. तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर हमारा है 0.30, यानी कि जो हमारी साइज 3 है, जो कि सबसे लोवेस्ट से थर्ड पे आपकी आएगी, 5, 4 एंड देन थर्ड, तो उसकी जो हमारी वॉल्यूम कैपेसिटी है दैट इज 0.3। कितनी है हमारी? 0.3।
यानी कि 0.3 ml क्या होगा उस पर्टिकुलर सेल में, हमारा क्या होगा रिटेन हो सकता है, उसकी हमारी उतनी कैपेसिटी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बात किया जो भी हमारे कैप्सूल्स और माइक्रो इनकैप्सुलेशन के टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने उनके बारे में विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बात की। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बात किया कैप्सूल्स और माइक्रो इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हमने बात किया, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं उनका हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया और उसको हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन करके हमने उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच।